तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानोगे कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है और क्यों फ्रांस जैसा भारत का एक मित्र देश भारत की सुरक्षा के साथ एक बड़ा मजाक कर रहा है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि हमने फ्रांस के साथ उसके राफेल फाइटर जेट की डील की थी और प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के पास राफेल से कोई और ताकतवर फाइटर जेट नहीं है। जहाँ पर राफेल भारत के फाइटर जेटों में सबसे ताकतवर माना जाता है, तो वहीं पर भारत की मिसाइलों में सबसे ज्यादा टैक्टिकल मिसाइल मानी जाती है ब्रह्मोस। पर आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत के सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट में लगी, उसके बाद में सुखोई 30 एमकेआई से सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट तेजस में भी लगने वाली है, पर ऐसा क्या कारण है कि हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल फाइटर जेट के अंदर नहीं लगा सकते हैं? कुछ तो कारण ऐसा होगा कि राफेल जैसा एक ताकतवर फाइटर जेट और ब्रह्मोस जैसी एक ताकतवर मिसाइल एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण है फ्रांस की पॉलिसी। दरअसल फ्रांस की पॉलिसी कहती है कि हम जिस भी देश को हथियार बेचते हैं, उस देश को हमारे हथियार को यदि यूज करना है तो हमारे हथियार में जो वेपन हम लगा कर देते हैं, उन्हीं हथियारों को केवल वह देश यूज कर सकता है। मान के चलो हमने राफेल फाइटर जेट लिया है, तो राफेल फाइटर जेट के अंदर लगने वाली जो मिसाइलें हैं, जो फ्रांस लगा कर देता है, वही मिसाइलें हमको राफेल के अंदर यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत की स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस, इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 से मार्क 3 तक की जो मिसाइलें हैं, वो हम राफेल फाइटर जेट के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह फ्रांस की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ माना जाएगा। और यह पश्चिमी देश समझते हैं कि भारत जैसे गरीब देशों की जो मिसाइलें हैं, हमारे एडवांस फाइटर जेट में नहीं लग सकती। और बस यही कारण है कि फ्रांस के अड़ंगे के कारण हम अपनी ब्रह्मोस से लेकर अस्त्र मिसाइल को भी राफेल के अंदर नहीं लगा सकते। पर भारत सरकार ने बार बार फ्रांस से अपने इस नियम को बदलने को कहा है और फ्रांस यह भी कहा है कि हमने आपको पैसे दे दिए तो फाइटर जेट अब हमारा हो गया और हम जो चाहें उसके हिसाब से इस फाइटर जेट में लगा सकते हैं। पर फ्रांस भारत की इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अपने हथियारों के अलावा और कोई हथियार फ्रांस राफेल में लगाने ही नहीं दे रहा। अन्यथा आप सभी भी सोच कर देखिए कि ब्रह्मोस जैसी एक घातक मिसाइल और राफेल जैसा एक एडवांस फाइटर जेट यदि भारतीय वायुसेना में कॉम्बिनेशन बनाकर काम करेंगे, तो चीन और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत को आंख दिखा दे। और बस इसलिए मजबूरी के कारण भारत राफेल के अंदर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं लगा सकता है और इसके लिए सुखोई 30 एमकेआई और अपने तेजस फाइटर जेट को चुना गया है। और बस इन्हीं सब कारणों के कारण भारत को आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है, ताकि हम हमारे हथियारों के हिसाब से जो चाहें वो मॉडिफिकेशन कर पाएं। खैर दोस्तों, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या फ्रांस को भारत के साथ ऐसा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।